बीएसएफ का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम होंगे, जहां इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे परेड में और परेड की सलामी लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है, और ये फिलहाल तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं परेड की सलामी ली जा रही है। स्थापना दिवस है आज बीएसएफ का, तो ऐसे में देश भर में कई जगहों पर ये खास कार्यक्रम रखे गए हैं, और उनमें से एक कार्यक्रम स्थापना दिवस का, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीएसएफ के जवान हैं वो मार्चिंग परेड कर रहे हैं, और अमित शाह इसमें गृहमंत्री अमित शाह खुद मौजूद हैं। तो 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी बीएसएफ की, और उसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी करना और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बीएसएफ को दी गई, और इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर आज खुद पीएम मोदी ने भी बीएसएफ के स्थापना दिवस पर उनको शुभकामनाएं दी हैं, और कहा है कि जवान हमेशा चौकस रहते हैं। और कई बार ऐसी स्थितियां भी आई हैं जब बीएसएफ के जवान आम लोगों की भी मदद के लिए जुट जाते हैं। बीएसएफ का स्थापना दिवस है, और आप देख सकते हैं किस तरह से बीएसएफ की जो ताकत है, आज उस ताकत को प्रदर्शित किया जा रहा है। मार्चिंग परेड यहां पर की जा रही है, परेड की सलामी गृहमंत्री अमित शाह ने ली है। तो कई जगहों पर कई कार्यक्रम यहां पर आज देश भर में किए जा रहे हैं। 1 दिसंबर 1965 का वो दिन जब बीएसएफ की स्थापना की गई थी देश की सुरक्षा के लिए, और का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है बीएसएफ, जिसकी जिम्मेदारी है शांति के समय के दौरान भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना। तो आज बीएसएफ का स्थापना दिवस है, और जिस तरह से देश की तमाम बॉर्डर्स पर तैनात रखते हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको देख यहाँ पर हर कोई उनकी सराहना भी करता है। एक ऐसा बल जो हर समय समर्पित रहता है। तो ये मार्चिंग आप परेड देख सकते हैं, जिसमें जो डॉग स्क्वाड है वो भी उनके साथ यहाँ पर इस परेड में शामिल है। तो बीएसएफ जहाँ पर अलर्ट रहती है, तो वहीं कई बार ऐसी स्थिति यहां पर बन जाती है जबकि आभास नहीं हो पाता है, तो ऐसे में ये डॉग स्क्वाड ही कहीं ना कहीं इस पूरी टीम के साथ यहां पर आता है। तो एक एक करके हर कोई इस परेड की सलामी ले रहा है, अपने शौर्य को अपने साहस को यहां पर आज प्रदर्शित करता हुआ बीएसएफ का ये पूरा बल जो अपने स्थापना दिवस को आज मना रहा है। देश भर की कई जगहों पर आज कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, तो अमित शाह भी एक कार्यक्रम में यहां पर पहुंचेंगे। तो 1 दिसंबर 1965 जब बीएसएफ की स्थापना की गई थी, और तब से लेकर अब तक बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति ही क्यों ना हो। तो सिर्फ बॉर्डर्स पर ही नहीं बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, जब भी कोई आपदा या कोई इस तरह का चीजें देश की आम जनता के सामने आती हैं, तो उस दौरान भी मदद के लिए बीएसएफ के हाथ हमेशा आगे आते हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना एक अहम भूमिकाएं यहां पर बीएसएफ के जवानों की हो जाती हैं, जिसको लेकर वो हमेशा प्रतिबद्ध भी रहते हैं। तो पीएम मोदी ने खुद इस दौरान बीएसएफ के जवानों को बधाई दी है।
और बताया कि किस तरह से बीएसएफ के जो जवान हैं वो अपने कार्य को लेकर यहां पर हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी की जवानों को और उनके परिवारों को, जो अपने परिवार को छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए रहते हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली में एक कार्यक्रम की तस्वीरें, देश की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, जिसका आज स्थापना दिवस है। 54 साल पूरे हो गए हैं यहाँ पर बीएसएफ को, और इस मौके पर हर कोई बीएसएफ को सराह रहा है। उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, किस तरह से वो बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं ताकि किसी भी नागरिक को यहाँ पर उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं उनको भी रोकना, ये बीएसएफ का ही काम है। और कहीं ना कहीं इस पूरे काम को वो यहाँ पर बखूबी तरीके से निभाते भी हैं। तो देश के उत्कृष्ट बलों में से एक है बीएसएफ, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है, और आज यहाँ पर 54 साल बीएसएफ को हो चुके हैं अपने दिवस, स्थापना दिवस के। और ऐसे में मौलिक रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए है, उसके लिए इस बीएसएफ की स्थापना की गई थी। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय और जिस तरह की निगरानी है बॉर्डर्स पर, उसको लेकर फिलहाल बीएसएफ का जो है गठन किया गया था, और आज उसी का स्थापना दिवस, 54 साल आज बीएसएफ को पूरे हो गए हैं।